ऑपोजिशन के लीडर है सीनियर के प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के हैप्पी रंडावली प्रेसिडेंट गौतम चल्होत्रा जी और हमारे जयपाल जी साथी। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि पिछले दिनों सरकार द्वारा एक आदेश निकाली रहे हैं उनकी सुरक्षा को विथड्रॉ किया जाता है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी पिक एंड चूज की पॉलिसी की जा रही है और जो 3 साल एमएलए रहे हैं उनके पास आज भी डबल सपोर्ट चल रहा है। मैं भाजपा के नेताओं को पूछना चाहता हूं, खासकर एलजी साहब को यह पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से ये दोहरा मापदंड किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और ऑपोजिशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये हम होने नहीं देंगे। और युवा कांग्रेस की ये मांग है कि हमने 2 बार डीजी साहब को ये लेटर लिखी है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के उदय भानुचित जी, उनको सुरक्षा जो है मुहैया कराई जाए। आज तक वो सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। आप देख सकते हैं जिस तरीके से सरपंच की किलिंग कश्मीर के अंदर होती है, कितना जम्मू कश्मीर को नुकसान होता है और सरपंच जो पंच थे वो बार बार ये सुरक्षा की मांग किया जाता था, इसकी नुकसान हुआ। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जो ऑपोजिशन के जो लीडर हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, अगर कल को इनको कोई आंच आती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द हमारे प्रदेश को सुरक्षा मुहैया कराया जाए।